मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही भी बाधित। संसद से जासूसी कांड पर विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में अपनी बात कहने उठे संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से बयान की कॉपी छीनकर टीएमसी सांसदों ने फाड़ दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद। विपक्ष ने संसद में किसानों के लिए उठाई आवाज। कृषि मंत्री तोमर ने कहा किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार, लेकिन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आंदोलन कर रहे किसानों को बताया मवाली। दिल्ली में यूपी सरकार का चला बुलडोजर। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन। रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई गई 150 करोड़ की जमीन। और अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार उद्योगपति राज कुंद्रा के खातों की होगी फोरेंसिक जांच। ब्रिटेन की कंपनी कैनविन प्राइवेट लिमिटेड कुंद्रा की कंपनी से संबंधित 13 बैंक खातों में पैसे करती थी ट्रांसफर। 23 जुलाई तक रिमांड पर हैं कुंद्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और किसी भी देश के लिए, विशेषकर भारतवर्ष के लिए, यहां के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि संसद चले। लेकिन आज संसद में फिर से हंगामा रहा, और संसद ही नहीं बल्कि सड़क तक हंगामा दिखता रहा। संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, सड़क पर किसानों ने प्रदर्शन किया। ये अलग बात है कि दोनों ही प्रदर्शन में, दोनों ही हंगामे में अंतर है। मूलभूत अंतर, विचारों का अंतर, समाज का अंतर, परिवेश का अंतर और मुद्दों का अंतर। आज हम आपको सबसे पहले संसद लिए चलेंगे और संसद से फिर सड़क तक लाएंगे, और सड़क पर जो कुछ रहा वो भी दिखाएंगे। संसद के जो माननीय सांसद हैं वो सड़क पर इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही आंदोलनों की भविष्य के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत ने कई आंदोलन देखे हैं, आंदोलनों का देश रहा है ये, लेकिन आजादी के बाद के यदि आंदोलनों की बात करें तो वो सारे ही आंदोलन कैसे एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदलते गए, और किस तरह से आम आदमी के अंदर जो विरोध की ताकत है, विद्रोह की ताकत है, वो कम पड़ती गई, क्षीण होती गई, एकाकी महत्वाकांक्षा में बदलती गई, ये आपको दिखाएंगे आज। लेकिन इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको अदालत की भी कुछ खबरों से रूबरू कराएंगे, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि राजनीति में कैसे अब अलग अलग तरह की रणनीति काम कर रही है। तमाम खबरों के साथ साथ कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, और इन बड़ी खबरों की यदि हम बात करें तो वो खबरें जो आज दिन भर छाई रही हैं, दिन भर सुर्खियों में हैं, उन खबरों में सबसे बड़ी खबर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 750 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत लेह, करगिल, लद्दाख के इलाके आएंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पिछले कई दिनों से जो तनातनी जारी थी वो फिलहाल थमती नजर आ रही है, और हमें खबर मिली कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के कल होने वाले ताजपोशी कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला कर लिया है। उधर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी हाईकमान इस मामले में जो भी निर्णय लेगी वो उसका पालन करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि वो हो सकता है कि 26 जुलाई के बाद वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री न रहें, और जब उनकी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे होंगे तब मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा सामने आ जाए। इन तमाम खबरों के साथ साथ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के नज़ारे भी सबके सामने रहे। महाराष्ट्र के चिपलून शहर में भीषण बाढ़ आ गई है, ऐसी विभीषिका जो यहाँ के लोगों ने पहले नहीं देखा था। शहर के कई इलाके डूब गए हैं, कारों और इमारतों को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने इसके लिए मदद भी मांगी है।
इन तमाम खबरों के साथ साथ अब आपको हम उस बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं जो कि आज पूरे देश में एक तरह से हलचल मचाए रही, और हलचल से भी ज्यादा मैं कहूं कि कई तरह के सवाल उठते रहे लोगों के मन में, और ये सवाल महज आम आदमी के मन में नहीं बल्कि संसद में विपक्ष ने उठाए, सड़क पर किसानों ने उठाए। सबसे पहले संसद का हाल। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पेगासस मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के बीच विपक्ष ने गहरा एतराज जताया और हंगामा शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने वैष्णव के हाथ से कागज लेकर फाड़ दिए। वहीं पेगासस और किसानों के मुद्दे को लेकर लोकसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। किसान मामले पर संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो उधर जंतर मंतर पर किसानों ने समानांतर संसद लगाई। यानी कि आज का दिन आंदोलनों का दिन रहा, आज का दिन प्रदर्शन का दिन रहा, आज का दिन विरोध का दिन रहा, आज का दिन विद्रोह का दिन रहा। देखिए खबर। तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि काफिला क्यों निकला। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। जवाब देने के बजाय उल्टे पूछ रहे थे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की संसद सत्र के पहले ही क्यों हुआ जासूसी मामले का खुलासा। दरअसल पेगासस से मोबाइल के जरिए जासूसी के शिकार हुए अश्विनी वैष्णव पर ही सरकार ने सफाई देने की जिम्मेदारी डाली। नौकरशाह से सांसद बने वैष्णव दो दिन पहले लोकसभा में जब अपने सियासी हुनर का जौहर दिखा रहे थे, तभी पता चला कि खुद उन पर भी निगहबान थी आंखें। बिग ब्रदर वॉज वॉचिंग हिम ऑल्सो। वैष्णव राज्यसभा में अपना बयान भी पूरा नहीं कर पाए कि विपक्ष ने उनके जवाब से असंतुष्ट होकर हंगामा शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने वैष्णव के हाथ से कागज छीन कर फाड़ दी। इस पर बीजेपी और विपक्षी सांसद आपस में उलझ गए। बाद में मार्शल के दखल से मामला शांत हुआ। किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, और जंतर मंतर पर भी बैठे हुए हैं। उन्हीं की समस्या को लेके हम लोगों ने नोटिस दिया था, और कुछ डीएमसी के लोगों ने पेगासस को लेके दिया था नोटिस, उसी पर हंगामा हुआ। लोकसभा में कमोवेश यही माहौल रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए आसन के करीब पहुंच गए। कांग्रेस के सांसदों ने किसानों की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने किसानों की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में हैं। कोई भी आंदोलन हो, मुद्दों को लेकर हो, तथ्यों को लेकर हो, तर्कों को लेकर हो, उसका स्वागत है। लेकिन जो किसानों के नाम पर, किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और जो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये शुद्ध रूप से किसानों के कंधों पर बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल संसद में पेगासस जासूसी मामले से लेकर महंगाई और किसान बिल के मामले को लेकर विपक्ष सरकार के रवैये को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार कांग्रेस पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति बता रही है। बहरहाल पेगासस जासूसी, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना होने के सरकार के बयान, महंगाई और किसान कानून को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जब से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था, उसके ठीक पहले ही विपक्ष के मूड को देखकर सरकार ये समझ रही थी कि सत्र को बहुत हद तक
स्मूथ चलाने के मूड में विपक्ष नहीं दिख रही थी और इसलिए एक के बाद एक बातचीत तो शुरू ही पर उसका हल कुछ नहीं निकला। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो संसद के नहीं बैठने से, संसद में कामकाज नहीं होने से नुकसान देश का होता है और ऐसे में मोदी सरकार संसद में गतिरोध दूर करने के लिए रणनीति तो बना रही है लेकिन विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहा है, खासकर जासूसी मामले में, और जिससे सरकार ने इनकार कर दिया है जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच किसानों का जो मुद्दा है वो फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है जो कि सरकार के लिए भारी पड़ सकता है और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान मोदी सरकार को लेकर संसद से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी वजह से किसान कानून को लेकर मोदी सरकार को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। संसद भवन के पास जंतर मंतर किसानों ने आज समानांतर संसद लगाई और सरकार के विरोध में 200 किसानों का जत्था कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। किसान संगठन के मुताबिक ये प्रदर्शन पूरे मॉनसून सत्र तक जारी रहेगा। किसान नेताओं ने विपक्षी सांसदों से अपील की है कि वो सरकार के विरोध में सदन से वॉकआउट के बजाय किसानों के हित की बात को मजबूती के साथ वहां रखें ताकि जल्द से जल्द ये गतिरोध दूर किया जा सके। पर जो किसान आंदोलन जिस रूप में आज हमारे सामने है, महज अब वही रूप नहीं रह गया है जिसको कहा जाए एक नेचुरल स्वाभाविक उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, स्वाभाविक चेंजेस हो रहे हैं, स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह एक चीज ये भी दिख रही है कि जो किसान नेता अब तक महज आंदोलन कर रहे थे अब उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। आंदोलन का क्लाइमेक्स अब बहुत जल्द आने वाला है लेकिन फिलहाल किस तरह से जंतर मंतर पर किसानों ने प्रदर्शन किया वो देखिए और उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया क्या रही है नेताओं की वो भी देखिए। जंतर मंतर पर एक और संसद का सत्र चल रहा है, ये किसान संसद है। इस समानांतर संसद में 3 स्पीकर और 3 डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए हैं। हर किसी को 90-90 मिनट का समय दिया जा रहा है और हर स्पीकर के साथ एक डेप्यूटी भी मौजूद है। इस संसद में किसान नेता कृषि बिल वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ इस किसान संसद सत्र की शुरुआत हुई। इसके बाद किसानों पर दायर मुकदमों को हटाने की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया गया। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है, किसान भी यहाँ पर जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेल भी देंगे, 11 राउंड की फेल होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा, देखो जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा, उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी। अगर क्षेत्र में उसको जाना है वो किसी भी पार्टी का है, अरे यहाँ पे किसान की अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो यहाँ से भी आवाज उठेगा। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि जब ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसानों की मांग को लेकर चर्चा हो सकती है तो हमारे देश की संसद में किसान बिल पर बहस क्यों नहीं कराई जा रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस किसान संसद में शामिल होने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों से किसान पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने विपक्षी सांसदों से वॉकआउट करने के बजाय संसद के भीतर किसानों की आवाज मजबूती से रखने की अपील की है। किसानों ने एक व्हिप जारी किया है, ऐतिहासिक काम किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने एमपी पे, तुम ये करोगे वो करोगे, इस दिन आओगे फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया है और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप, और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। किसान संसद के लिए सुबह से ही सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में 200 किसानों का जत्था यहाँ पहुँचा था।
किसान नेताओं का आरोप है कि एक एक प्रदर्शनकारी को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और दिल्ली पुलिस की अनुमति से ही ये किसान संसद लगाई जा रही है, लेकिन किसानों को यहाँ पहुँचने से रोकने के लिए तीन तीन बार इन किसान प्रदर्शनकारियों को जाँच के नाम पर रोका जा रहा है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया कि वो किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, जबकि किसान कृषि बिल वापस लेने और एमएसपी की गारंटी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली बता देने से मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। किसान नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि मानसून सत्र के बाद हमारा पड़ाव उत्तर प्रदेश है। 5 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। हम यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अलग थलग करना चाहते हैं। जाहिर है मोदी सरकार को आने वाले वक्त में संसद से लेकर सड़क और आने वाले चुनाव में भी भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे ये विडंबना ही है कि भारत में जब जब बड़े आंदोलन हुए तो उसका क्लाइमेक्स एक दल के रूप में, किसी के निजी महत्वाकांक्षा के रूप में या फिर किसी के सत्ता में आने या जाने के रूप में सामने आया। आप याद करें इमरजेंसी के समय जेपी का आंदोलन, जेपी के आंदोलन के बाद इतना बड़ा आंदोलन जिसमें शायद आज़ादी के बाद वो पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के बच्चे बच्चे ने हिस्सा लिया होगा या एक बहुत बड़ा तबके ने हिस्सा लिया, खासकर उत्तर भारत के। और वहां से जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो उभरे कौन? कई नेता, कई दल। उसके बाद जब बड़ा आंदोलन जो आया वो मंडल के बाद का आंदोलन था या उसके ठीक पहले का आंदोलन था, उसके बाद भी उभरे कौन? वीपी सिंह। तमाम तरह के आंदोलन होते रहे। राम के नाम पर आंदोलन हुआ, उभरी बीजेपी। उसके बाद लोकपाल के नाम पर आंदोलन हुआ, उभरे आप। अब किसान के नाम पर जबरदस्त आंदोलन है और किसान नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाएं भी स्पष्ट कर दी हैं और टिकैत ने कहा है कि बहुत जल्द कोई दल भी बनाना पड़े तो दल बनाएंगे, उस दल के अगुआ भी वो होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है। वैसे किसान आंदोलन को जिस समझदारी से संभाला जाना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से देश विदेश में मोदी सरकार की छवि को धक्का जरूर पहुंचा। भले ही इस आंदोलन के बाद कुछ नेता उभरे और एक नया दल भी उभरे, इसका मौका भी मोदी सरकार नहीं दिया। जिस तरह से किसानों की बात नहीं सुनने पर अड़ी रही सरकार और तोमर बार बार कहते रहे कि वो किसानों की बात उसी हद तक मानेंगे जहां तक उन्होंने निश्चित किया है, यानी कि सरकार ने निश्चित किया है, ऐसे में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री के बयानों से भी मामला और भड़कने लगा। और अभी भी जिस तरह के बयान आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। जितना ही ज्यादा यह आंदोलन बढ़ेगा उतना ही किसान जो नेता हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा। यदि उनकी ये महत्वाकांक्षा है कि वो राजनीति में एक सितारे बनकर उभरें, चमकें, तो किसानों को एक तरह से रास्ता दिखाने के लिए या किसानों को इकट्ठा करने के लिए इस वक्त कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं। ऐसे में किसी भी बड़े किसान नेता के लिए ये बड़ा मौका है, विशेषकर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल ये आंदोलनों का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आंदोलन महज राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में बदल कर रह जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें तो इस वक्त सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या तो सरकार को अपनी साख बचाने की है। जिस तरह से पेगासस मामले को लेकर देश के भीतर राजनीतिक हलचलें तेज हैं, कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते जनसंपर्क विभाग की टीम को
इसराइल भेजे जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। ये चिट्ठी जो कि इसराइल से आई थी वो हमारे पास मौजूद है और इस चिट्ठी के साथ आप ये पाएंगे कि पूरा मामला सहज नहीं है और भले ही पेगासस भी इनकार करे, सरकार कोई बात न माने, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में पेगासस जासूसी मामले को लेकर तूफान उठा है। विपक्ष सरकार से सफाई मांग रही है, लेकिन सरकार से साफ तौर पर जासूसी कराने के आरोप से इनकार भी नहीं कर रही है। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। खासकर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के गिरने और बीजेपी सरकार बनने के बीच बड़े नेताओं के फोन की जासूसी के आरोप के बाद विपक्ष ज्यादा हमलावर हो गया है। संसद की कार्यवाही तीसरे दिन भी इसी वजह से नहीं चल सकी। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति भी पेगासस मामले पर 28 जुलाई को चर्चा करने की तैयारी कर रही है। इस चर्चा को रोकने के लिए समिति के बीजेपी सदस्यों ने वोटिंग की थी, लेकिन बराबर बराबर मत होने की वजह से समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के वोट से चर्चा का प्रस्ताव पारित हो गया है। वही मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर कर मामले की एसआईटी से जांच की मांग भी की गई है, लेकिन पेगासस जासूसी मामले की आग राज्य तक पहुंच गई है। यूपी में इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मामले की जांच की मांग उठाई है। उत्तराखंड समेत कई और राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अब फडणवीस सरकार के दौरान इसराइल का दौरा करने वाले अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल नवंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार के सूचना और प्रचार महानिदेशालय के अधिकारियों का एक दल इसराइल के दौरे पर गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने विभाग के ऐसे ही 5 वरिष्ठ अधिकारियों से दौरे की रिपोर्ट मांगी है। इस दौरे को लेकर नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला के जरिए फोन टैपिंग कराने का मामला सामने आया था। अब इस मामले को पेगासस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि DGIPR का प्रमुख ब्रजेश सिंह को क्यों बनाया गया? साइबर सिक्योरिटी से जुड़े IPS अधिकारी ब्रजेश सिंह को इस पद पर क्यों बिठाया गया, जबकि इस पद पर आमतौर पर IES की नियुक्ति की जाती है? अब मीडिया में इनकी इसराइल सरकार को लिखी चिट्ठी भी वायरल हो रही है। ब्रजेश सिंह ने इसराइली काउंसिलेट को अपने अधिकारियों के दौरे के लिए ये लिखी थी। शिवसेना के अखबार सामना ने लिखा है कि पेगासस की असली पिता तो देश में ही मौजूद है और पेगासस हमला आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल आने वाले दिनों में और खुलासे होने के आसार है। जाहिर है कि मोदी सरकार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पेगासस जासूसी मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब इसकी जांच में शामिल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूटर्न ले लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसने कभी नहीं कहा कि जारी की गई लिस्ट के मोबाइल नंबरों पर पेगासस मॉलवेयर से जासूसी की गई थी, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नंबर होने की जानकारी सामने आने के 24 घंटे के अंदर ही फ्रांस ने मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं इसराइल सरकार ने भी आरोपों की जांच के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित किया है। हालांकि बाद में ये कहा गया कि मैक्रो के फोन की जासूसी नहीं की गई थी। यानी कुल मिलाकर ये मामला उलझता सा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक गलियारे में मामला कहीं गुम सा ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बंगाल सरकार ने कहा कि NHRC की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने राज्य सरकार को NHRC की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई है। वहीं वादी की तरफ से स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की मांग की गई है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद
पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि राज्य को NHRC की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने अंततः राज्य सरकार को NHRC रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को पोस्ट किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस IP मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को NHRC की रिपोर्ट जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है, कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। NHRC की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 18 जून को पारित एक आदेश के अनुसार हुई, जिसमें NHRC के अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। 13 जुलाई को NHRC ने 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय को 50 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी थी। NHRC ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा करार दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन समय की मांग है। वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने ये भी बताया कि NHRC की रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ितों को धमकाने में राज्य के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत रही है। नतीजतन पुलिस पर बलात्कार, पीड़ितों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। और यदि आपको संगीत से जरा भी प्रेम है तो जाहिर सी बात है कि आप मुकेश को पसंद करते ही होंगे। आज उनका जन्मदिन है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनका बचपन दिल्ली में बीता। अभिनेता मोतीलाल के कहने पर मुकेश मुंबई गए और मुंबई आने के बाद इन्हें 1941 में निर्दोष फिल्म में बतौर एक्टर सिंगर पहला ब्रेक मिला, लेकिन तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक्टिंग की बजाय इनकी आवाज को इतना पसंद किया जाएगा कि वे हिंदी सिनेमा के महानतम गायकों में शामिल हो जाएंगे। पार्श्व गायक के तौर पर मुकेश को पहला काम 1945 में बनी फिल्म पहली नजर में मिला और मुकेश ने राज कपूर के ज्यादातर फिल्मों में गाना गाया। वैसे कहा जाता था कि मुकेश राज कपूर की आवाज थे और ये बात सही भी थी। महज राज कपूर ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा गायक होगा जो मुकेश के इतना जिसने सफलता पाई हो या मुकेश की आवाज़ में जो दर्द था उस दर्द को अपनी आवाज़ में ढाल कर ला पाया हो। मुकेश के लिए कहा जाता है कि उनकी आवाज़ सच्चाई की आवाज़ थी। तो सच्चाई की इसी आवाज़ के साथ आज आपको छोड़ जाती हूँ। मुकेश को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आप देखते रहिए PN। नमस्कार।